नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रीमालेक्स टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, क्रीमालेक्स टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और क्रीमालेक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि क्रीमालेक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्रीमालेक्स टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। क्रीमालेक्स टैबलेट का उपयोग कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। क्रीमालेक्स टैबलेट कब्ज की समस्या को दूर करके पेट को साफ करती है। क्रीमालेक्स टैबलेट एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव दवा है जो आपकी आंतों की मूवमेंट को बढ़ा देती है और आपकी आंतों में जो स्टूल होता है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। क्रीमालेक्स टैबलेट को डॉक्टर कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स करने से पहले पेट की आंतों को अच्छी तरह साफ करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है। क्रीमालेक्स टैबलेट एक ब्रांड नेम है। क्रीमालेक्स टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सोडियम पिकोसल्फेट 10 mg होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रीमालेक्स टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। क्रीमालेक्स टैबलेट को शाम को सोते समय लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 10 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर क्रीमालेक्स 10 mg टैबलेट को दिन में एक बार और शाम के सोते समय लेने की सलाह देते हैं। क्रीमालेक्स टैबलेट को लेने के बाद आपको पानी का सेवन ज्यादा करना चाहिए। क्रीमालेक्स टैबलेट को लेने के बाद आपको कम से कम एक गिलास हल्के गर्म पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। क्रीमालेक्स टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको क्रीमालेक्स टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना क्रीमालेक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रीमालेक्स टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्रीमालेक्स टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में क्रीमालेक्स टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, दस्त व उल्टी आने का मन होना आदि साइड इफेक्ट्स क्रीमालेक्स टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रीमालेक्स टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में क्रीमालेक्स टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। पेट की आंतों में रुकावट होने पर, पेट में बहुत तेज दर्द होने पर, उल्टी होने पर, बुखार होने पर, अपेंडिसाइटिस होने पर, शरीर में डिहाइड्रेशन होने पर, यानी शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर क्रीमालेक्स टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना क्रीमालेक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको सोने से कम 30 मिनट से लेकर एक घंटे पहले क्रीमालेक्स टैबलेट को लेना चाहिए। आपको क्रीमालेक्स टैबलेट को लेने के बाद तुरंत सोने से बचना चाहिए। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्रीमालेक्स टैबलेट को देना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्रीमालेक्स टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। लगातार 5 दिन से ज्यादा क्रीमालेक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगातार लंबे समय तक क्रीमालेक्स टैबलेट का सेवन आंतों की नॉर्मल कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको कब्ज की समस्या बनी रहती है तो पहले उसके कारण का पता लगाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कब्ज होने के कारण का पता लगाए बिना क्रीमालेक्स टैबलेट का सेवन लंबे समय तक नहीं करना चाहिए। कब्ज से बचने के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और हर रोज कम से कम 8 से लेकर 10 गिलास पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को क्रीमालेक्स टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को क्रीमालेक्स टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं क्रीमालेक्स टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। वैसे क्रीमालेक्स टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को
डॉक्टर क्रीमालेक्स टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब क्रीमालेक्स टैबलेट का देना बहुत ही जरूरी हो, और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए क्रीमालेक्स टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित है। लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्रीमालेक्स टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को क्रीमालेक्स टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका क्रीमालेक्स टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।